न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कावेंद्र चौहान। पीएम मोदी की वर्चुअल रैली रद्द हो गई। जी हां, खबर के साथ शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। खराब मौसम के चलते पीएम मोदी की उत्तराखंड में होने वाली वर्चुअल चुनाव रैली रद्द कर दी गई है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के चुनावी समर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल रैलियों का आगाज आज से होने वाला था। प्रधानमंत्री बीजेपी के जन चौपाल कार्यक्रम के तहत अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं को संबोधित करने वाले थे और पार्टी के समर्थन में वोट देने की अपील करने वाले थे, लेकिन खराब मौसम को देखते हुए उनकी रैली स्थगित हो गई है। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने स्वयं सहायता समूह के कर्मचारियों के साथ मुलाकात की। उन्होंने 14 फरवरी को उत्तराखंड के लोगों से मतदान करने की अपील की है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने बताया कि लोकतंत्र की प्रणाली के साथ ही 2022 के विधानसभा चुनाव कराए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा दान मतदान है, तो कृपया सब लोग 14 फरवरी को मतदान करें। भारत में और गवर्नर होने के नाते तीन बातें हैं। सबसे पहले, पहला टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा हमारे डेमोक्रेसी प्रोसेस यानी कि हमारे लोकतंत्र की प्रणाली, और तीसरा गवर्नर की डिग्निटी। और उस पॉइंट से जो और जी जो आपने सवाल किया है, सबसे बड़ा जो दान होता है वो होता है मत दान। गुरु नानक देव जी ने भी कहा था कि मन नीवा मत उच्ची, तो ये जो मन मत शब्द है उसका दान देना एक बहुत इम्पोर्टेंट जिम्मेवारी है हर एक नागरिक। और ये जो शब्द है मत अधिकार, उस मत का अधिकार, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम सबको मिलकर हर एक व्यक्ति को जो वोटर है उसको आगे बढ़कर इसमें पार्टिसिपेट लेना चाहिए, ताकि हमारा लोकतंत्र की प्रणाली और हमारा देश और भी खुशहाली, समृद्धि और प्रगति करें। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हल्द्वानी में प्रेसवार्ता की। प्रेसवार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ओर से जो मैनिफेस्टो लॉन्च हुआ है वो आपने कुमाऊं के लिए रिलॉन्च किया है, इसे उत्तराखंडी स्वाभिमान को समर्पित किया गया है। ये घोषणा पत्र में 4 धाम 1000 से ज्यादा काम के सोच के साथ आके है। हमारा घोषणा पत्र उत्तराखंड के विकास के कामों का रोडमैप है, उसे कई योजनाओं को लेकर आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से महंगाई बढ़ रही है। ये भाजपा और भाजपा के प्रोपोगंडा मशीन की दिमागी कुकृति है, और मैं इस तरीके के भाजपा के कुकृति की और उनकी लाइन पर जो पढ़ रहे हैं और इस इशू को ब्लास्ट ब्लो अप करना चाह रहे हैं, मैं उनको उत्तराखंड का विरोधी मानता हूं। वो जो उत्तराखंड के बुनियादी सवाल हैं, बेरोजगारी का सवाल है, पेट का सवाल है, सामाजिक न्याय का सवाल है, गरीबों के लिए जो पेंशन आदि की स्कीमें हैं उनका सवाल है, हमारे रोजगार का सवाल है, विकास ग्रोथ को बढ़ाने का सवाल है, राजस्व वृद्धि का सवाल है, यहाँ के शिक्षा चिकित्सा जैसे बुनियादी ढांचों के सुधार के सवाल हैं। उनसे ध्यान हटाने के लिए ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाली बात कनकोट की गई है, और इस तरीके वो भी बिल्कुल कोरी बकवास है। जिस काम को ये पिछले 5 साल सरकार में रहते हुए नहीं कर पाए, उस काम को जो है इन्होंने चुनाव की आड़ में इस काम को, ताकि उनका दुष्कृत्य जो है छुप जाए, तो एक कनकोडेड अपने तरफ से एक जालसाजी करके इस तरीके की बात उड़ाई जाए। प्रदेश में आने वाली 10 फरवरी से 7 मार्च तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल पर रोक रहेगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। सीईओ सौजन्या ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य में विधानसभा चुनाव को देखते हुए एग्जिट पोल संबंधी अधिसूचना जारी की थी। इसमें निर्देशित किया गया था कि 10 फरवरी को सुबह 7 बजे से 7 मार्च की शाम 6:30 बजे तक प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ओर से किसी भी तरह के एग्जिट पोल, इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार या किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार प्रसार करने पर प्रतिबंध रहेगा।
विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी प्रचार के लिए 5 फरवरी को कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी हरिद्वार आएंगे। इस दौरान वो किच्छा के किसानों के साथ वर्चुअल संवाद करने के साथ ही राज्य के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों से भी जुड़ेंगे। वो गंगा आरती में भी भाग लेंगे। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से उनका कार्यक्रम जारी नहीं हुआ है। महामंत्री संगठन मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि राहुल गांधी का कार्यक्रम सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में लाइव देखा जाएगा। इसमें लोग उनसे सवाल जवाब भी कर सकेंगे। मुख्य कार्यक्रम हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र स्थित नेहरू युवा केंद्र में आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा इसी दिन शाम को राहुल गांधी गंगा आरती में भी भाग लेंगे। दिल्ली के डिप्टी स्पीकर राखी बिड़लान रुद्रपुर पहुंची। इस दौरान उन्होंने शहर के कई क्षेत्र में आप प्रत्याशी के लिए डोर टू डोर जनसंपर्क किया। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने जनता को गुमराह किया है। इस बार जनता ने दोनों ही दलों को सबक सिखाने का मन बना लिया है। इस मौसम चुनावी सर्दी के अंदर अगर गर्मी के किसी ने पसीने छुटाए हैं तो मुख्य तौर पर आम आदमी पार्टी ने छुड़ाए हैं। भाजपा कांग्रेस इस वक्त जो है कन्फ्यूज़ हैं कि लोग किस प्रकार से अपने मुद्दों की बात करने वाली राजनीतिक पार्टी को मौका देने के लिए तैयार हैं। क्यों जो 20 साल से उनको जो इस तरह से गुमराह किया जा रहा था चुने हुए नेताओं के द्वारा, अब जनता जागरूक हो चुकी और इस बार सत्ता से उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है जनता ने इन तमाम पार्टियों को। मेरठ से दिल्ली जाते हुए टोल टैक्स पर असदुद्दीन ओवैसी पर हुए हमले की घटना को लेकर देश भर के लोग कड़ी निंदा कर रहे हैं। उत्तराखंड में भी AIMIM कार्यकर्ता इस घटना को लेकर सख्ते में हैं। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नैयर काजमी ने कहा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर हुआ जानलेवा हमला बेहद ही निंदनीय है। उत्तर प्रदेश में खुलेआम गुंडाराज चल रहा है। दिन रहारे बैरिस्टर ओवैसी पर कुछ युवकों ने गोलियां बरसाई हैं। गनीमत रही कि ओवैसी सुरक्षित बच गए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग की तरफ से इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी, नहीं तो उत्तराखंड में मजलिस पार्टी पूरी तरीके से सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगी। हम लोग उसको कंडम करते हैं। वो जो हमला किया गया है वो बहुत ही, उसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। एक ऐसे लीडर के लिए, एक ऐसे शख्सियत के लिए जो इस वक्त मौजूदा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो इस वक्त मौजूदा दौर में एक सियासी मुल्क के अंदर एक सियासत में एक नई ऊर्जा पैदा करने वाला नेता, जो ये बताने वाला शख्स है कि सच के साथ रहकर, संविधान के साथ रहकर और मुल्क से मोहब्बत के साथ रहकर भी सियासत की जा सकती है, उसके ऊपर एक बुजदिलाना हमला करके उन लोगों ने अपनी बुजदिली का सबूत दिया है। और हम तमाम मजलिस उत्तराखंड की तरफ से उन लोगों की मजम्मत करते हैं और आपके माध्यम से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये डिमांड करते हैं कि उनके ऊपर उस पॉलिसी को, जिस पॉलिसी के तहत ये हमला किया गया, उसका पर्दाफाश होना चाहिए और वो जहन इस हमले के पीछे हैं वो खुलकर सामने आने चाहिए और निष्पक्ष पर जांच हो और NSA के तहत उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 6 और 7 फरवरी को चुनाव प्रचार के लिए उत्तराखंड आ रहे हैं। वो हरिद्वार में चुनाव प्रचार करेंगे। 6 फरवरी को आप पार्टी अपना चुनावी घोषणा पत्र भी जारी कर सकती है। चुनावी घोषणा पत्र के बाद केजरीवाल का उत्तराखंड का ये पहला दौरा होगा। हालांकि इससे पहले वो 6 दौरे कर चुके हैं जिसमें उन्होंने सत्ता में आने पर 5 वादों की गारंटी दी है, जिसमें हर परिवार को 300 यूनिट मुफ्त बिजली, बेरोजगार युवाओं को रोजगार, महिलाओं को 1,000 रुपए की सहायता राशि, मुफ्त तीर्थयात्रा, शहीदों के परिजनों को 1 करोड़ की आर्थिक सहायता देने की गारंटी दी गई है। वहीं थराली में लगातार 2 दिनों से क्षेत्र में हो रही बारिश और बर्फबारी के बाद भी स्थानीय लोगों के साथ ही देश विदेश के सैलानी भी पहुंच रहे हैं और बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। लेकिन स्थानीय लोगों को रोजमर्रा की आवश्यक चीजों के लिए परेशानियों से भी 2-4 होना पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो समस्या विकट बनती जा रही है। लोगों के मवेशियों को भी गौशालाओं में ही रहना पड़ रहा है।
यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है हमको, यहाँ पे हर साल बर्फ़ पड़ती है और यहाँ पे दूर दूर से लोग घूमने आते हैं। यहाँ पे रुकने का भी बहुत अच्छा है, मतलब होटल वगैरह मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कल से बर्फ़ पड़ रही है यहाँ पे, हमको बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मतलब बर्फ़ पड़ी है बहुत सालों बाद बर्फ़ पड़ी, तो हमको बहुत मज़ा आ रहा है, ठंडा भी लग रहा है लेकिन मज़ा आ रहा है। यहाँ के पहले तो हम सुबह जब आए थे यहाँ पर, तब देखा कि हमने स्नोफॉल तो हो नहीं रहा था, लेकिन अभी आए तो देख रहे हैं कि स्नोफॉल भी हो रहा है। लोग जैसे बाहर घूमने के लिए जाते हैं कि हम हिमाचल जाएंगे, मनाली जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि हमको वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हमको तो यही जो हमको लगता है कि हमारा ग्वालदम जो जाता है ज़्यादा उससे अच्छा जो खूबसूरत इलाका लग रहा है हमको, और हम चाहते हैं कि और भी और हमको देख के और भी यहाँ सैलानी आए और थोड़ा आनंद ले यहाँ का। तो बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आ रहा है, अभी एक साल बाद यहाँ बर्फ़ पड़ी है दोबारा, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, ठंडा लग रहा है, ठंड भी हो रहा है बहुत ज़्यादा, मज़ा आ रहा है पर बहुत। रुद्रप्रयाग के हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी तो निचले क्षेत्रों में बारिश जारी है। बारिश और बर्फबारी के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। बर्फबारी अब जिले के केदार घाटी के गांवों में भी होने लगी है, जिस कारण परेशानियां बढ़ती जा रही है। केदारनाथ, तुंगनाथ, मदमहेश्वर, पर्यटक स्थल चोपता, सारी गांव, शिव पार्वती विवाह स्थल सहित अन्य क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है। वहीं केदारनाथ धाम में 6 फीट तक बर्फ जम चुकी है। की नारायण गांव में 2 दिन से बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यहां पे रोड भी अभी बंद है, अब 3-2 दिन से बिजली और पानी भी बिल्कुल ठप है। कल यहां पे निर्वाचन आयोग की गाड़ियां आई थी पोलिंग बूथ में देखने के लिए, उसके बाद उनकी गाड़ी भी रास्ते में ठप बंद हो गई थी, ब्लॉक हो गई थी, तब गाँव वालों की सहायता से उनकी गाड़ी निकाली गई है और यहाँ पे बगैर बिजली के और वो दूर संचार व्यवस्था भी ठप हो रखी है, लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो रखा है। टिहरी गढ़वाल में किसी भी अप्रिय घटना और जाम लगने की स्थिति में मदद पहुंचाने के लिए पुलिस ने एक और कारगर कदम उठाया है। पुलिस मुख्यालय की ओर से टिहरी गढ़वाल को 4 स्कॉर्पियो वाहन उपलब्ध कराए गए हैं, जो हाईवे पेट्रोलियम यूनिट और हाईवे ट्रैफिक पेट्रोलियम यूनिट को दिए गए हैं। चारों वाहन टिहरी के अलग अलग क्षेत्रों में खड़े रहेंगे, जो किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घटने और ट्रैफिक जैम की सूचना पर मौके पर जल्द से जल्द पहुंचेंगे। वहीं ऋषिकेश विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए लगातार कांग्रेस प्रयासरत दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने नगर निगम के 4 निर्दलीय पार्षदों और 2 बीजेपी के पूर्व सभासदों को कांग्रेस की सदस्यता दिलवाई है। पार्षदों और सभासदों को कांग्रेस में आने से कांग्रेस की मजबूती तय है। वहीं पार्षदों का दावा है कि वो जी जान से मेहनत कर कांग्रेस प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए काम करेंगे। बता दें कि कांग्रेस भवन में पार्षदों और पूर्व सभासद को कांग्रेस की सदस्यता दिलाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शूरवीर सिंह सजवान और खुद कांग्रेस प्रत्याशी जयेंद्र रमोला पहुंचे। कांग्रेस की सदस्यता दिलवाने के बाद मौके पर समर्थकों ने जोर शोर से कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाए। देखिए, कांग्रेस की पूरे प्रदेश के अंदर लहर है और आपने देखा होगा जिस दिन से आदरणीय सजवान जी का आशीर्वाद मुझको मिला, उस दिन से गली गली मोहल्ले मोहल्ले में घर घर से लोगों ने एक आवाज़ उठानी शुरू कर दी कि अब की बार कांग्रेस सरकार, ऋषिकेश में जो 15 साल का सूखा पड़ा था, जो 15 साल का विकास ठप पड़ा था, जो 2007 में चढ़ते हुए विकास को जो इन्होंने रोकने का काम किया था, पहियों को रोकने का काम, अब ऋषिकेश की जनता ने मन बनाकर इस बार विकास को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस की ओर आकर्षित होने का काम किया। आज हमारे साथ पार्षद, पूर्व पार्षद और तमाम नेतागण, भाजपा के नेतागणों ने कांग्रेस को ज्वाइन किया, कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करी और किसी भी शर्त नहीं, उन्होंने कहा हम विकास के साथ हैं, उन्होंने कहा हम युवा प्रत्याशी के साथ, उन्हें कहा हम अनुभवी व्यक्ति के नेतृत्व में कांग्रेस को ज्वाइन करना चाहते हैं। आज हमारे कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सजवान जी के नेतृत्व में, उनके सानिध्य में तमाम पार्षद और नेताओं ने, पूर्व पार्षदों और नेताओं ने कांग्रेस ज्वाइन करी। अभी धीरे धीरे करके अन्य वर्ग के लोग भी
कांग्रेस की ओर आकर्षित हो रहे हैं और जल्दी आपको दिखाते रहेंगे डे बाय डे कौन कौन लोग ज्वाइन होगा, धीरे धीरे करके भाजपा के रीति नीति से तंग आकर लोग और ऋषिकेश के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग कांग्रेस की सदस्य ग्रहण कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल है, जब देखिए जब परिवार बढ़ता है तो उम्मीदें भी बढ़ती है और जिम्मेदारियाँ भी बढ़ती है। पूरे ऋषिकेश क्षेत्र में 2 वर्ष पहले जनता ने मन बना लिया था अब की बार हम प्रेमचंद जी से विदाई लेंगे या उनको विदाई करेंगे और उनके विकल्प के रूप में जो भी दिखेगा, उनको सुधीर सिंह सजवान दिख रहे थे, अब उनको कांग्रेस के प्रत्याशी जयेंद्र रमोला दिख रहे हैं और निश्चित रूप से कांग्रेस की विजय होगी ये मैं कह सकता हूँ। एक एक कार्यकर्ता जो मेरे साथ वर्षों वर्षों से जुड़ा था वो आज कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ, क्योंकि तब भी वो कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ थे और आज भी वो कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ हैं, अपना आशीर्वाद कांग्रेस के प्रत्याशी को देंगे और निसंदेह हमारी विजय होगी और हम विजय पताका फहराएंगे और एक कीर्तिमान स्थापित करेंगे। वहीं विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। इसी कड़ी में चमोली के बद्रीनाथ विधानसभा के थाना पोखरी पुलिस ने सतर्कता और तत्परता दिखाते हुए थाना अध्यक्ष ध्वजवीर सिंह पंवार के नेतृत्व में पोखरी के 2 अलग अलग राजस्व क्षेत्रों के रहने वाले 2 लोगों के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत जिला बदर की कार्रवाई की और चमोली और रुद्रप्रयाग की सीमा पर सख्त हिदायतों के साथ छोड़ दिया गया। उन्हें आने वाले 2 महीनों तक जिले में आने से वर्जित किया गया है। पौड़ी विधानसभा के कलजीखाल ब्लॉक के टंगरोली गांव के ग्रामीणों ने एक खुली बैठक कर आने वाले विधानसभा चुनाव का बहिष्कार का फैसला लिया है। ग्रामीण गांव के विकास से असंतुष्ट हैं। ग्रामीणों का कहना है कि देश आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है लेकिन ग्रामीणों के बार बार शासन प्रशासन से गुहार लगाने के बावजूद भी सड़क और पानी की समस्या बरकरार है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्रामीण आदि मानव की जिंदगी जीने को मजबूर है। महिलाओं को 2 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है पानी के लिए। नेता 5 साल में वोट डालने को लेकर तरह तरह के प्रलोभन और आश्वासन देते हैं लेकिन जमीन पर कार्य नहीं दिखाई देता, लिहाजा ग्रामीणों ने चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार करने का फैसला लिया है। आज हमारी ग्राम सभा टंगरोली में खुली बैठक रखी गई जिसमें समस्त ग्रामवासियों द्वारा यह निर्णय लिया गया कि आगामी 2022 विधानसभा चुनाव का बहिष्कार पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे जिसमें हमारे ग्राम सभा की मुख्य मांगे जो थी पानी से या सड़क से, जो कि हमने ऊपर प्रशासन तक पहुंचाई लेकिन उसका कहीं से भी हमको हल नहीं हुआ इस समस्या का, इसलिए पूरी ग्राम सभा हमारी इसका पूर्ण रूप से बहिष्कार करती है। ऐसा है कि देश को आज़ाद हुए 73 साल हो गए, देश आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहा है लेकिन हमारे गांव में अभी तक आदि मानव के जैसी जिंदगी जी जा रही है। महिलाएं 2-2 किलोमीटर दूर जाकर पानी लाती हैं, जानवरों के लिए पीने के लिए पानी नहीं है। गर्मियों में तो हालत ये हो जाती है कि डिग्गी में ताले लग जाते हैं और प्रत्येक परिवार को एक एक या 2-2 बर्तन पानी मिलते हैं तो पानी की बहुत बड़ी समस्या है। कई जनप्रतिनिधियों से पहले भी बातचीत हमारी हुई लेकिन कोई इस समस्या का हल नहीं निकल पाया और इलेक्शन के टाइम पर सब आश्वासन देकर चले जाते हैं। दूसरा हमारा सड़क की भी समस्या है, सड़क की हालत जो है वो बहुत बुरी है और हमारा जो टिंगल की वाली सड़क से जो लिंक करवाने का था वो भी आधार में लटका हुआ है। तो इसलिए इस बार समस्त ग्रामवासियों ने यह निर्णय लिया है कि विधानसभा के चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाए। आज हमारी ग्राम सभा द्वारा आगामी चुनाव 2022 विधानसभा चुनावों का पूर्ण रूप से विरोध किया गया क्योंकि काफ़ी समय से हमारी ग्राम में एक समस्या चली आ रही थी, पानी की समस्या और एक सड़क की समस्या, जो कि हमारे द्वारा कितने विज्ञापन दिए गए, कितने भी आंदोलन किए गए, उसके द्वारा भी अभी तक उसका हल नहीं हो पाया, जिस कारण हमने और हमारी ग्राम सभा ने यह फैसला लिया कि इस समय आगामी चुनाव में हम मतदान देने नहीं जाएंगे। प्रदेश में चुनाव का माहौल है, ऐसे में चोर भी सक्रिय हो गए हैं। मंगलौर के गुरुकुल नारसन में चोरों ने एक बैंक की दीवार तोड़कर चोरी करने का प्रयास किया। अलार्म बजने पर चोर मौके से फरार हो गए। वहीं बैंक मैनेजर की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
पीएनबी जो मैनेजर हैं उनके द्वारा सूचना दी गई कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनके बैंक में घुसकर उनके एटीएम को काटकर पैसे ले जाने का प्रयास किया गया है, जिसमें एटीएम क्षतिग्रस्त हुआ है। उसमें कोई वो कैश वगैरह नहीं ले जा पाए, इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है, उसमें जो है कार्रवाई की जा रही है। इस ये सुरक्षा गार्ड भी इस बैंक में नहीं है और इसके पीछे काफ़ी जो है एकांत स्थान है, तो उस संबंध में बैंक अधिकारियों से भी वार्ता की गई है। सीसीटीवी जो है पीछे की साइड लगाने के लिए उनको निर्देशित किया गया है। साथ ही साथ इस घटना में जो सम्मिलित हैं उनको शीघ्र से पकड़ने के लिए टीम बना दी गई है, उसके प्रयास। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। शुक्रिया।